हाय एवरीवन, मु झरणा आपण मानको स्वागत करुची आम चैनल आरजे अपलोडेड। आज मु आपण मानको सहित आलोचना करिया पई जाउची कि गर्भधारण पई सठिक गर्भधारण पई मासरे केते थर संपर्क रखिबा बा शारीरिक संबंध रखिबा आवश्यक पडिथाय। अनेक महिला मानकर एई सब डाउट आसीथाय। मते बहुत जण सब्सक्राइबर एई सब क्वेश्चन करिसेंते कि मासरे एमिति केते थर संपर्क आउ केमिति संपर्क रखिले सेमानकर सठिक भाबरे गर्भधारण हेई परिबो, एने सेमानक मनरे बहुत सारा डाउट रहिछि। आज ए वीडियो रे मु से विषय रे आलोचना करिया पई जाउछि। तबे चालन त स्टार्ट करिबा आज रे वीडियो टी। सर्वप्रथमे आपणको नोटिस करिया को पडिबो कि एग रिलीज हबार समय, जोटा कि कुहा जाय थाय ओवुलेशन रो समय। जदि आपण ओवुलेशन समय जानिबा पई चाहुछन्ते तले ओवुलेशन उपरे मु बहुत सारा वीडियो बनैछि। मो वीडियो सेक्शन को जाय के आपण चेक करि परिबा ओ इजीली आपणकर ओवुलेशन डेट बाहर कर परिबे। एहा सत्ते भी जदि आपण ओवुलेशन डेट बाहर करि पारु नाहंती तले शरीर रे एमते किछ चेंजेस आसी थाय, जो समय रे कि आपण रिकग्नाइज करि परिबे कि आपणकर एही समय कि ओवुलेशन रो समय, जोति पई कि शरीर रे ए सब लक्षण माने देखा जाउछि। से सब लक्षण को नोट करिके भी आपण रिलेशन रखि परिबे। तेबे समस्या तो अनेक लोकंकर अनेक प्रकार हेथाय, जेमिति कि केते जणकर थायराइड प्रॉब्लम थाय, आ केते जणकर पीसीओडी प्रॉब्लम थाय, आ केते जणकर जेमिति कि फेलोपियन ट्यूब रा कंडीशन ठीक न थाय, किंबा ओवरी रा कंडीशन ठीक न थाय, किंबा एग रिलीज ठीक से हो न थाय। जदि एग रिलीज भी हो थाय तले एग रा क्वालिटी ठीक न थाय। ए सब को क्योर करबा पई बहुत प्रकार मेडिसिन अछ। एग रो क्वालिटी को केमती इम्प्रूव करिवे एहा को नै मध्यम मु बहुत ही वीडियो बनै छी, आपण चाहि चेक करि परिवे वीडियो सेक्शन रे। एहा सहित पीसीओडी को भी केमती क्लियर करिकरि आपण गर्भधारण करि परिवे, एहा उपरे भी मु बहुत ही बढ़िया वीडियो बनै छी, आपण चाहि चेक करि परिवे। आ बहुत जण पीसीओडी को क्लियर करिकरि गर्भधारण भी करि सारि छथिं। एहा सत्ते भी जदि आपणकर नॉर्मल कंडीशन अछि, आपणकर सीमेन एनालिसिस ठीक अछि, एग रो क्वालिटी ठीक अछि, एवं आपणकर पीरियड रेगुलर अछि, तहले आपणकर ओवुलेशन ठीक टाइम रे होतबो, आउ आपणकर एग रिलीज मध्ये ठीक से होतबो, एग रो क्वालिटी भी ठीक रहतबो। तेणु करि शरीर रे किछटा परिवर्तन आसी थाय, शरीर रे सेई परिवर्तन को नोट करले आपण जानि परिबे कि आपणकर एटा ही ओवुलेशन समय, जदि आपण ओवुलेशन डेट के बाहर करि पारु नाहंती। तबे जदि आपण सेई ओवुलेशन समय टिको जानि जिबे आपणकर लक्षण रे देखि कि तहले आपण एई कथा टि मन रखि थांतु, जेतेबेले नारी रा शरीर रे पुरुष रा स्पर्म टि एंट्री करि थाय, पुरुष रा स्पर्म नारी रा शरीर रे 3 रु 4 दिन पर्यंत जीवित रहि थाय। तेणु करि आपणकु ओवुलेशन समय रे 3 रु 4 दिन पूर्वरु एवं दिनक पर पर्यंत एवरीडे किंबा एवरी अल्टरनेट डे रे रिलेशन रखिबार अछि। रिलेशन चाहिले आपण सकाळे रखि परिबे, चाहिले आपण रातिरे भी रखि परिबे, दिनकु 3 थर 4 थर भी आपण रखि परिबे, काहेकिना आपणकर मोटिव अछि आपण केमिति एही मासरे गर्भधारण करिबे। तो जदि आपण एग्जाक्ट ओवुलेशन समय रे रिलेशन रखिबे तहले आपणकर गर्भधारण रा चांसेस बढ़ी जाई थाए। तबे से लक्षण गुडी का कोन कोन, जो लक्षण को कि आपण नोट करके जानि परिबे कि एही समय टी ओवुलेशन समय, त हमकु एही सप्ताहटा पूरा रिलेशन रखिबार अछि। प्रथम लक्षण टी होउछि, जदि आपणकर सर्वाइकल म्यूकस जदि आपणकर पतला पानी आकार रा देखा गला। सर्वाइकल म्यूकस कोन, जो नारी मानकर शरीर रे व्हाइट डिस्चार्ज होइ थाए, जेतेबेले देखिबे पीरियड रा मझा मझी समय आसीजिबो, सेही समय रे नारी मानक शरीर रे व्हाइट डिस्चार्ज होइ थाए, आ सेही व्हाइट डिस्चार्ज को कुहा जाय थाए सर्वाइकल म्यूकस। से आ टिके थिन होइ थाए, स्ट्रेचेबल होइ थाए, आपण नोट करिबे देखिबे जेतेबेले आपणकर सेही डिस्चार्ज टी को हाथ रे नहीं के देखिबे, जेतेबेले देखिबे स्ट्रेच हे के गोटे सूता आकार रे आपणकर देखा जाउथबो, तले जानिजिबे कि एइटा ही आपणकर ओवुलेशन समय, एही समय रे एही भलिया डिस्चार्ज होउछि, त आपण सेही दिन थुनी रिलेशन रखिबा स्टार्ट करि देबे। आउ एक लक्षण भी देखा जाय थाय, आपणकर ब्रेस्ट टिके सॉफ्ट हे जाय थाय, आउ एथिरे हल्का जंत्रणा अनुभव हे थाय। जे देखिबे पीरियड रो मझिया मझी समय रे आपणकर ब्रेस्ट जदि सॉफ्ट हे जिवो आउ हल्का जंत्रणा अनुभव हबो, ताहेले भी एटा आपणकर ओवुलेशन रो लक्षण, आउ आपण सेही दिन रु ही रिलेशन रखिबा स्टार्ट करि देबे। जरूरी नहि कि या समस्त महिलांक केस रे देखा जिवो, किछि जणक केस रे देखिया को मिलिथाय सेमानकर ब्रेस्ट सॉफ्ट आउ कि हल्का दरज अनुभव हे थाय। पेटर गोटे पट साइड रे, आइदर सेटा लेफ्ट साइड रे हो किंबा राइट साइड रे हो, टिके दरज अनुभव हो, जेटा कि कहा जाय थाय क्रैम्प। सेटा कोन पई हे थाय, जेहेतु महिलार शरीर रे सेही पर्टिकुलर समय रे एक टी रिलीज हे थाय, जदि एक टी ओवरी राइट साइड ओवरी रो रिलीज हला तहले से राइट साइड रे क्रैम्प हे पारे, किंबा जदि लेफ्ट साइड रो एक टी रिलीज हला तहले लेफ्ट साइड रे क्रैम्प हे पारे। जदि आपण अनुभव कले कोनोसी भी साइड रो आपणको क्रैम्प अनुभव हला, पेट हल्का काटिबा अनुभव हला, तले जानि जेबे कि एटा आपणकर ओवुलेशन समय, आ आपण सेही दिन टु ही रिलेशन रखबा स्टार्ट करि देबे। एहा सहित आउ एक बहुत बड़ा चेंजेस हे थाय, आपण जदि प्रेग्नेंट हबा पई चाहु जते तले आपणको सबु दिन आपणको बॉडी रा टेंपरेचर मापिकी रखिया को पड़िबो।
ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଓଭୁଲେସନ୍ ସମୟ ଆସିଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ନର୍ମାଲ୍ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା 1 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯୋଉଟାକି କୁହାଯାଇଥାଏ ବେସେଲ୍ ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର୍। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ନୋଟ୍ କଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା ଆପଣ କେତେବେଳେ ମାପିବେ, ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା ଆପଣ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ରେ ମାପିବେ। ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଉଠିବେ ତ ଆପଣ ତଳେ ପାଦ ଦେଇନଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର୍କୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖିବେ। ଯୋଉଦିନ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଟିକେ ହାଇ ଅଛି, ସେଇଦିନ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ ରିଲିଜ୍ ସମୟ ବା ଓଭୁଲେସନ୍ ସମୟ। ଆପଣ ସେଇଦିନଠୁ ହିଁ ରିଲେସନ୍ ରଖିଦେବେ, ଆଉ ରିଲେସନ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ରଖିପାରିବେ, ସକାଳେ ରଖିପାରିବେ, ରାତିରେ ରଖିପାରିବେ, ଚାହିଁଲେ ଦିନକୁ 2-3 ଥର ବି ରଖିପାରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଓଭୁଲେସନ୍ ଡେଟ୍ରେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣର ଚାନ୍ସେସ୍ ବଢ଼ିଥାଏ। ତ ଏଇ କିଛିଟା ଲକ୍ଷଣକୁ ନୋଟ୍ କରିବେ, ଆଉ ପିରିୟଡ୍ର ମଝା ମଝି ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଓଭୁଲେସନ୍ ବି କିପରି ବାହାର କରିପାରିବେ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ, ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସେକ୍ସନ୍କୁ ବି ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଓଭୁଲେସନ୍ ଡେଟ୍କୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ରିଲେସନ୍ ରଖିବେ ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଇଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପଚାରିପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।